केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट पर बैन लगा दिया है। संगठन पर यह कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी UAPA के तहत की गई है। संगठन पर आरोप है कि उसके सदस्य जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल थे और आतंकी समूह का समर्थन कर रहे थे। संगठन पर बैन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर MLJ के MA को UAPA के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि PM नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश जोरदार और स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप की अध्यक्षता मसरत आलम भट्ट ही करता है। मसरत आलम साल 2010 में घाटी में हुए प्रो आजादी प्रोटेस्ट के मुख्य आयोजकों में से एक है। उस दौरान के विरोध प्रदर्शन के बाद आलम को कई नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था और साल 2015 में रिहा कर दिया गया था। इसके बाद ही PDP और BJP के गठबंधन में दरार आई थी। ये संगठन अपने राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है। संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से स्वतंत्र कराना चाहता है ताकि जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो सके और जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित हो सके। इस संगठन के सदस्य जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद संबंधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। साथ ही इसके नेता सदस्य आतंकवादी का समर्थन करने, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करने में शामिल रहे हैं, इसीलिए संगठन का बैन होना जरूरी हो गया था। दरअसल UAPA के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित कर सकती है। अगर किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित किया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो उसके सदस्यों का अपराधीकरण हो सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। ऐसे में संगठन की संपत्ति भी खंगाली जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय देश में 42 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया गया है, यानी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें कई खालिस्तानी संगठन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, लिट्टे और अलकायदा जैसे संगठन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, AME नेटवर्क।